बेहद दर्दनाक और दुखद न्यूज। आदरणीय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मेरे अति प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अभी एक मिनट पहले मुझे उड़ीसा से कॉल आया था और हमारे यूनियन के एक मजदूर ने मुझे सूचना दिया कि बालेश्वर रूपसा माल गोदाम में हमारे मजदूर का रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये बेहद दुखद है। हमारे यूनियन के मजदूर भाईगण लगातार आए दिन एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक बिहार के एक बंदे का एक्सीडेंट को वीडियो में डाला था, जिनको बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, भारत सरकार की तरफ से भी 10 लाख मुआवजा दिया गया था और हमारे यूनियन की तरफ से 5 लाख रुपए दिया गया था। मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे दुखद समय में इस परिवार के आने वाले जनरेशन के लिए भारत सरकार और उड़ीसा सरकार ख्याल रखते हुए इन्हें मुआवजा प्रदान करें। मैं ये वीडियो के माध्यम से सभी हमारे यूनियन के लीडर्स हैं उनको सूचना दे रहा हूं। साथ ही साथ हमारे यूनियन के सरदार, मुंशी, एंसलरी और जितने मजदूर भाई बहन हैं सभी को इसकी सूचना मैं दे रहा हूं, ताकि जब भी हम माल गोदाम में काम कर रहे हों तो बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम माल गोदामों में होते हैं। और इनके विषय में मुझे सूचना ये भी मिला कि ये 2 साल पहले ही QR कार्ड बनाने के लिए दिए थे, श्रम कार्ड बनाने के लिए डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता जी को दिए थे, लेकिन उनका QR कार्ड और श्रम कार्ड अभी तक नहीं बना और कई लोगों का QR कार्ड अभी भी उस माल गोदाम में नहीं बना है, केवल कुछ ही लोगों का बना है। ये हमारी यूनियन के लिए विडंबना है, दुखद है, बेहद दुखद है कि हमारा यूनियन इतना स्लो क्यों है। लोग मर जा रहे हैं, बावजूद इसके जिस तीव्रता, जिस गति से काम होना चाहिए हमारे यूनियन में बेहद स्लो चल रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है, इसको आइडेंटिफाई करिए। मैं मजदूर भाइयों से, सरदार भाइयों से और मुंशी भाइयों से, एंसलरी भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा कि इस यूनियन को एक सुदृढ़ यूनियन बनाइए। बड़ा दुखद लगता है, लोग मर रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंटेशन अभी तक तैयार नहीं। 1998 से लेकर अभी तक की बात हो रही है और इतने वर्षों में, 25 वर्षों में इनका QR कार्ड नहीं बना। 5 साल पहले QR कार्ड बनाने का निर्देश हमारे गुहाई साहब, जो आसाम के रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने निर्देश दे रखा था और 5 साल के अंदर 2017 से लेकर अभी तक हमारे मजदूरों का QR कार्ड नहीं बना है। इसका जिम्मेदार कौन है? ई श्रम कार्ड नहीं बना है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसको आइडेंटिफाई करिए, जरूरी है। नहीं तो अभी तो लिंक की बात हो रहा है, ये भी लिंक और 5 साल होते होते भी नहीं होगा। लोग मरते रहेंगे, लोगों के घर परिवार उजड़ते रहेंगे, लोगों का दर्द मैं सुनता रहूंगा, मैं झेलता रहूंगा ऐसे मीडिया। इसलिए सभी मजदूरों के आंख के आंसू को पहुंचिए। लोग जीवन पर दांव, जीवन का दांव लगाकर माल गोदाम में काम कर रहे हैं, उनका कल्याण कर दीजिए आप। विशेषकर हमारे मजदूर संघ के पदाधिकारी, जो नए पदाधिकारी, अभी 1000 पदाधिकारी बन रहे हैं और इससे पहले जो पदाधिकारी थे, उन लोगों से मैं जोर देकर एम्फसाइज करके निवेदन कर रहा हूं कि इमीडिएटली बालासोर रफ्सा माल गोदाम में अभी तक हजारों लोगों का QR कार्ड और ई श्रम कार्ड नहीं बना है, उनका बना दें। नहीं तो 1998 से ये कर रहे थे, वो कर रहे थे वाला भाषणबाजी नहीं चलेगा। मैं निवेदन करूंगा आप लोग तीव्र होइए। मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी तक 5 साल हो गया लोगों का QR कार्ड नहीं बना। ये बेशर्मी और बेशर्मी की भी हद होती। लोग मर रहे हैं जिनका शरीर दिन भर खून पसीना बहाकर इस यूनियन को सींचता है, उन्हीं का QR कार्ड नहीं बना है, उन्हीं का ई श्रम कार्ड नहीं बना है, उन्हीं का डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना है। ये बेशर्मी की बात है कि नहीं? आइए हम विटनेस सुने, ऑडियो में डाल रहा हूँ। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, विशेषकर लीडर्स लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये डालना जरूरी है, सच्चाई का पर्दाफाश होना जरूरी है। हमारा यूनियन बेहद पवित्र यूनियन है, इसको अपवित्रता के मकर जाल से निकालिए, भ्रष्ट व्यक्तियों के मकर जाल से निकालिए। मैं अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ही लोग हमारे यूनियन मरते रहेंगे, दर्द से रोते रहेंगे। आज उनके परिवार का क्या होगा? मैं उनके परिवार को बड़ा दुख के साथ ईश्वर से दुआ करता हूँ कि हमारा मजदूर जो इस दुनिया से चला गया है, ठीक वैसे ही चला गया जैसे कि जीसस क्राइस्ट को 32 साल की उम्र में मार दिया गया था क्रूस में, और वो जिंदा होकर फिर दोबारा इस धरती में आए थे और 40 दिन इस धरती में रहे थे, और उन्होंने स्वर्ग जाते समय कहा था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और हमारा मजदूर भाई जो मर गया, वो मजदूर भाई अभी स्वर्ग में है, क्योंकि मैं मजदूरों को जीसस क्राइस्ट के समतुल्य मानता हूँ, क्योंकि दिन और रात वो भार को ढोते हैं जो जीसस क्राइस्ट ढोए थे आज से 2023 साल पहले। मैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को आश्वासन देता हूँ मीडिया की तरफ से, हमारी यूनियन के पदाधिकारी श्री मनोरंजन कुमार पासवान की तरफ से,
और अरुण कुमार पासवान की तरफ से और अन्य जितने हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर रमन के की तरफ से और हमारे जितने सरदार मुंशी एंसिलरी लेबर्स मजदूर भाईगण इस समय काम कर रहे हैं उनकी तरफ से उनकी आत्मा को शांति शांति और स्वर्ग प्रस्थान करने का मैं स्वर्ग में अपना निवेदन प्रार्थना रख रहा हूँ। हम भी एक दिन इस धरती को छोड़ के जाएंगे और हमें स्वर्ग जाना है, इसलिए बुरे कर्मों से दूर रहें। लिंक ना करना या QR कार्ड में विलंब करना ये सब दुष्टता का काम है, इसे रोकें। नहीं तो मजदूरों का जीवन ऐसे ही दयनीय है, ऑलरेडी है। 1952 जब से आज़ाद भारत बना है तब से इनका जीवन बेहद दयनीय होते हुए भी अभी भी यूनियन से जुड़ने के बाद भी इनका जीवन दयनीय है। इनका QR कार्ड ना बनना, ई श्रम कार्ड ना बनना, ये क्या दर्शाता है? ऑडियो सुनिएगा तो अब ज़्यादा आपको क्रोध आएगा हमारे यूनियन पर, हमारे यूनियन के कार्यकलापों पर। इसलिए तो मैं दहाड़ता हूँ। मुझे यूनियन से शिकायत नहीं है, लीडर लोग से शिकायत है कि हमारे यूनियन के लीडर्स जिनको पदाधिकारी चुना गया या संगठन मंत्री इत्यादि चुना गया वे अपने काम को ईमानदारी पूर्वक निभा क्यों नहीं पा रहे हैं? अभी ऑडियो सुनिएगा तो नाम लेकर उन्होंने कहा है, एक्सपोज करना जरूरी है मीडिया के थ्रू कि जो लोग हमारे यूनियन में संगठन मंत्री इत्यादि बने हुए हैं उनका जिम्मेदारी था कि इन 5 वर्षों में जब से QR कार्ड बनाने का निर्देश भारत सरकार ने दिया है तब से लेकर अभी तक 5 वर्षों में इनका QR कार्ड बनाने का काम संपन्न क्यों नहीं हुआ? आज हर मजदूर पूछेगा, हर सरदार पूछेगा, हर एंसिलरी पूछेगा, हर मुंशी पूछेगा, क्योंकि ऐसी घटना बार बार होते रहेंगे आने वाले समय में। क्योंकि माल गोदाम में काम करना जीसस क्राइस्ट के क्रूस को ढोने के बराबर है और आप ईश्वर के साथ पंगा ले रहे हैं। मैं अब भी निवेदन करूंगा हमारे यूनियन के लीडर्स से कि आप अगर इनके कल्याण करने का बीड़ा उठाए हैं तो आपको बिना भ्रष्टाचारी बने इनका कल्याण करना होगा। आइए हम हमारे भाई जो उड़ीसा से कॉल किए थे, मैंने एक ऑन द स्पॉट का वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज रहे हैं, उन वहाँ से फोटो भेज रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बात हुई ऑन द स्पॉट से, मुझे कॉन्फ्रेंस में बात करके मुझे सारा ब्यौरा दिया गया, कैसे दिया गया, सारे सवालों के जवाब इस ऑडियो में हैं। आप सुन लें और अपने जज्बात अपने इमोशन को जो मजदूरों के प्रति होनी चाहिए गरीबों के प्रति होनी चाहिए उसे जगाएं और यूनियन को एक सुदृढ़ यूनियन बनाएं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हमारी आत्मा है, प्राण है, यहाँ पर गलत काम को रोकें और सही काम को करके दिखाएं। और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे मजदूर के लिए जो पॉलिसी में प्रावधान है उस पॉलिसी के तहत इनको 10 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाए। साथ ही साथ उड़ीसा सरकार में भी प्रावधान है, स्टेट गवर्नमेंट में भी प्रावधान रहता है कि जितने भी लोग जो एक्सीडेंट इत्यादि से मरते हैं इनका निधन होता है, स्वर्गवास होता है, जो सो जाते हैं वो लोग सो गए हैं अभी, ठीक है, लेकिन उनका पुनरुत्थान होगा हम लोग मानते हैं। उनको तो आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते जो चला गया, लेकिन उनके परिवार और उनके बच्चों का सहयोग करें। यही समय है हमें एक दूसरे का सहयोग करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। आइए सुने हमारे उड़ीसा के भाइयों ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर एक दुखद खबर है, एक दुखद न्यूज, सैड न्यूज। अरे अरे क्या हो गया? अपने एक कर्मचारी कट के मर गया, अभी उड़ीसा में काम करने के लिए आ रहा था। अरे 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 अरे, अरे। कहां का है? कौन माल गोदाम का है? ये उड़ीसा बालेश्वर, बालेश्वर में ही। वो जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसी में? नहीं नहीं, आज अभी 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 मरा। अरे अरे, उसका वीडियो फोटो वीडियो अभी मैं मंगाया, मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, ठीक है? जी जी, मैं बना देता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको मैं वीडियो आएगा मैं देता हूँ आपको। अभी मेरे पास बड़ी दुखद यार, ऐसे कैसे हो गया? वो कट गया, अभी उसका QR कार्ड वगैरह कुछ बना नहीं है। बना नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बना है। उसका कैसे हेल्प किया जाए वो तो हम लोग सोच रहे थे, इसलिए मैं आपको एक बार कॉल किया, फिर कॉल करना पड़ा। मैं अभी वीडियो आएगा तो मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, उनका QR कार्ड बनाना पड़ेगा बैक डेट से, तो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? वीडियो आता हूँ मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक। सर जी जी, हेलो सर। हाँ सर, बालेश्वर रूपसा गुडान में वो अभी कट के मर गया, ठीक है? बालेश्वर रूपसा गुडान में आपको फोटो भी भेज दिया, आपका पर्सनल जो टेलीग्राम पे है उसमें मैंने फोटो भी भेज दिया, वीडियो आ गया तो मैं आपको भी भेज देता हूँ, ठीक है? बालेश्वर रूपसा गुडान। अच्छा।